उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के संयुक्त आह्वान पर 3 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी महारैली में PFRDA बिल रद्द कर पेंशन बहाली, 8वां वेतन आयोग की समिति का गठन, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद हो, COVID-19 महामारी में रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता बहाली जैसे कल 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग लें। 3 नवंबर 2023 को कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला समन्वय समिति का गठन किया गया। जनपद संयोजक प्रेम प्रकाश, सह संयोजक धर्मेंद्र कुमार, श्रीनिवास महेंद्र सिंह चौहान जी को नामित किया गया। उत्तर प्रदेश फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष कन्नौजिया विनोद बुद्धिराम ने बताया कि ये लड़ाई कर्मचारी शिक्षकों की है। प्रांतीय नेतृत्व में नरेंद्र प्रताप सिंह संरक्षक, महासंघ एवं लल्लन प्रांतीय अध्यक्ष नल को प्रभारी, नलकूप चालक, तकनीकी कर्मचारी संगठन, सिंचाई विभाग आदि रहे। इस अवसर पर प्रदीप कुमार, डॉक्टर सहदेव सिंह, अनिल कुमार, योगेश चंद यादव, संदीप दीक्षित, प्रेम किशोर, राम नारायण, अजय कुमार, मुकेश चंद्र, रमेश कश्यप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर, बिरा समन्वय किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हम लोग 3 नवंबर को दिल्ली में रैली होनी है। उस रैली के को सफल बनाने के संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि ईस्ट टू ईस्ट हर कर्मचारी के दरवाजे पर जाएंगे और उनको मांगों से अवगत कराएंगे और अपने आंदोलन से उनको जोड़ने का काम करेंगे। उसी के तहत आज जो है हम फिरोजाबाद से प्रवास पर यहाँ आए हैं और अपने भाषाओं से बात करेंगे। के तहत हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करते हुए हर सदस्य को अपनी 12 सूत्री मांगों से अवगत करा रहे हैं। आज सुबह हम लोग इटावा में थे, सेकंड हाफ में हम आपके बीच में हैं, फिरोजाबाद में हैं और कल हम लोग जो है हमारी पूरी टीम आगरा है। हमारा जो प्रमुख लक्ष्य है कि वह जो 12 सूत्री मांगे हैं, देखिए पेंशन बहाली नो डाउट हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है। उसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा है हमारे लिए कि जब सरकारी विभाग होगा तभी सरकारी कर्मचारी होंगे। लिहाजा और आपने ये उदाहरण देखा कि आज अगर कोविड जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी में जो है हमारा देश, भारत देश सबसे कम मृतकों की संख्या रही, सबसे सशक्त कहा जाने वाला अमेरिका सबसे कमज़ोर स्थिति में रहा, तो उसका जो मूल कारण है और मूल आधार है वह है सरकारी सेवक और सरकारी विभाग। और जो सबसे अहम बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक संविदा आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गए हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की महानता है कि उन्होंने एक आदेश किया कि कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं। लेकिन मैं उनसे यह भी अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कई प्रदेशों में जो संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी विगत 6 साल 7 साल से सेवा कर रहे थे उनको वहाँ की सरकारों ने नियमित करने का कार्य किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमारी यह प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी रेगुलराइज करें। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।